वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फोर्थ टीवी। राजनीतिक दावे, राजनीतिक माहौल बनना यूपी में तेज हो गया है। ऐसा आगामी विधानसभा चुनाव के चलते हो रहा है। भाजपा में मौजूदा सीटों पर बदलाव होने की चर्चा से चेहरे व हवाओं की रंगत बदल रही है। हवा बनाने के लिए बहाना यूं तो नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 350 बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करना रहा, लेकिन भाजपा के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने संदेश देने से पीछे नहीं रहे कि जब तक वह जिंदा है वह चुनाव लड़ेंगे, तब तक वह सरधना से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह दावा भी लगे हाथ कर दिया कि जितना सरधना क्षेत्र के कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट हैं, उतने यूपी के किसी विधायक से नहीं। कोई अफसर यदि उनके कार्यकर्ता की तरफ आंख भरकर भी देख ले और उन्हें यह पता चल जाए तो वह अफसर यहाँ रह ले, यह हो नहीं सकता। दरअसल सरधना के तहसील रोड स्थित कुमार पैलेस में क्षेत्रीय भाजपा विधायक संगीत सोम ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 350 बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा विधायक संगीत सोम ने मौजूदा लोगों से कहा कि कुछ लोग उनके क्षेत्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ की तरफ इशारा करते हुए विधायक ने यह सवाल किया कि क्या वे बदलाव चाहते हैं, फिर खुद ही बोले, जब साथी कह रहे हैं कि नहीं तो फिर बदलाव क्यों किया जाए। आइए देखते हैं। अभी और संगीत सोम यहाँ विधायक रहेगा, बहुत लोग ये कह देते हैं कि विधायक जी क्षेत्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके, बताओ भाई बदलना चाहिए नहीं? बदलना चाहिए नहीं? नहीं बदलना चाहिए, हाथ उठाकर बताओ नहीं। ये बताओ, जब मेरा एक एक साथी ये कह रहा नहीं बदलना चाहिए, मैं क्यों बदलूंगा भाई? मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक चुनाव लड़ूंगा इस सरधना से लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत लोग बहकाने का काम करते हैं लोगों को। मैं अपने कार्यकर्ता जहां जहां मुझे इतना प्यार मिलता हूं, सरधना विधानसभा के लिए मुझे एमएलए नहीं बनाया, मुझे एमएलए नहीं बनाया, इस देश में मेरी पहचान दी है वो सरधना विधानसभा की देन है। आप लोगों ने मुझे पहचान दी है। मुझे, मैं गरीब परिवार से था, मैं कौन सा एक राजा महाराजा परिवार से था, लेकिन उस परिवार से निकाल के आपने इतनी बड़ी पहचान मुझे दी है। मैं 7 जन्म भी पैदा होऊंगा तो अपने सरधना के कार्यकर्ताओं का एहसान नहीं भूल पाऊंगा, 7 जन्म भी अगर मैं पैदा होऊंगा तो। इसलिए आप सब कार्यकर्ता साथियों से यही अपील करते हुए और चिंता मत करो, आपका विधायक सरधना से आप जिताते हो, लेकिन आपका विधायक इस प्रदेश में 100 सीटों पर प्रचार करने जाता है, और 100 विधायक ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि हम भैया के प्रचार से ही जीतते हैं, योगी जी के प्रचार से जीतते हैं। चिंता मत करिए, यूपी में सरकार डबल मार्जिन से 350 सीटों के साथ जो विधायक, मैं जैसे सरधना की बात कर रहा हूं, पहली बार हम जीते थे 12,500 से। मैं एक बात फिर कहता हूं, हो सकता है सब मेरी बात से सहमत ना रहते हो सकता है हर कार्यकर्ता मेरे से खुश ना रहता हो सकता है हर कार्यकर्ता के मन मुताबिक मैं काम ना कर पाता हूं, कई कारण हो सकते हैं, बहुत चीज हो सकती है, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मेरी सरधना विधानसभा का कार्यकर्ता संतुष्ट रहता है, पूरी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उतना संतुष्ट नहीं रह सकता। ये बता रहे साथ कह सकता, मैं अपने कार्यकर्ता के साथ कोई नाराजगी भी होगी उसका अहित नहीं चाह सकता, उसका कोई बुरा हो ये नहीं चाह सकता। कोई अधिकारी मेरे कार्यकर्ता को आंख भर के देख ले और मेरी जानकारी में आ जाए और वो अधिकारी ठीक रह जाए, ये हो नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी अवश्य पड़ी है, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा सतर्कता बरतने की जरूरत है। जब तक जरूरी न हो घर से न निकले, घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहें फर्स्ट बाइट चैनल। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।